श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, मधुमक्खी को भ्रामरी माता का नाम दिया गया है। भ्रामरी माता माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं। भ्रामरी माता के नाम से उन्हें जाना जाता है। वहीं हमारी हिंदू संस्कृति में भ्रामरी पूजनीय माता भी हैं और भ्रामरी माता के द्वारा पौराणिक काल में एक दैत्य का नाश भी हुआ था। कहा जाता है कि भ्रामरी माता ने जन कल्याण के लिए दैत्य का संहार किया था, तो वहीं मधुमक्खी भी भ्रामरी माता का ही रूप लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करती है और इसके छत्ते के बहुत ही चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसका छत्ता अगर आपको कहीं मिल जाए, इसे नुकसान ना पहुंचाते हुए इसका थोड़ा सा छत्ता भी अगर आपको मिल जाता है तो उसका आप उपाय कर सकते हैं अपने घर लाकर, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन का आगमन भी होता है। उसमें बहुत ज़्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं और ये आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी मिटा सकता है, तो आपके सारे मनोरथ को भ्रामरी पूर्ण कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं मधुमक्खी के चमत्कारी उपाय। वैसे तो कई लोग अपने घर के आसपास पेड़ पौधों पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ देखते हैं। कहीं जगह छत्ते गिर जाते हैं, उनसे शहद निकलने लगता है। जब मधुमक्खी छत्ता छोड़कर जाती है तो उस छत्ते को आप निकाल लें। थोड़ा सा छत्ता आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा, धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण कर देगा। अगर आपको मधुमक्खी का छत्ता कहीं भी मिल जाए तो आप उस छत्ते को अपने घर ले आएँ, उसे धूप दीप दिखाकर पूजा करें और उसे सुखा दें। धूप में अच्छी तरह सुखा लें, जिससे कि वो पूर्ण तरह सूख जाए, उसके अंदर का जो शहद है वो भी सूख जाए। इसके बाद उसका पिंड बना लें। पिंड बनाने के बाद में इस पिंड को अपने घर में पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। पिंड ना बना पाएँ तो उस टुकड़े को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर वहीं कहीं रख दें। वहीं जब आप इस पिंड को आपके घर में रखेंगे तो आपके घर में तब तक धन खत्म नहीं होगा जब तक ये आपके घर में रहेगा। आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं तो साथ में इसे भी धूप दीप दिखाएं, इसकी भी पूजा करें। बस केवल आप इसे प्रतिदिन गंगा जल से स्नान कराना जरूर संभव रखें। आप गंगा जल से स्नान कैसे करवाएं वो हम आपको बता देते हैं। जब आप इसकी पूजा करें तो गंगा जल के कुछ छींटे उस पर मार दें। बस आपको धोना नहीं है, ना ही उस पर बहुत सारा गंगा जल डालना है। वहीं आप भ्रामरी का छत्ता अर्थात मधुमक्खी का छत्ता धूप में सुखाकर और उसे लाल कपड़े में बांधकर धन की पेटी में भी रख देंगे तो आपकी धन की कभी कमी नहीं होगी। आप इसे धन की तिजोरी में, धन की पेटी में या ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर आप धन एकत्रित करते हैं। बैंक में जाकर ना रखें, यह संभव नहीं हो पाएगा। तो आप इसे अपनी तिजोरी में रख लें या फिर जहाँ भी आप पैसा रखते हैं स्वच्छता से वहाँ पर रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी कोई किसी भी कार्य के लिए जा रहा है तो उसमें आपको सफलता हासिल जरूर होगी। यह आप थोड़े से छोटे से लॉकेट में इसका थोड़ा सा टुकड़ा भरकर भी पहनकर धारण कर लें और इसे अपने देवी देवताओं के स्थान और कृपा मानकर अपने गले में धारण करेंगे तो आपको हमेशा हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता ही मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको इससे ज़्यादा मोम मिल जाता है, इसका मोम भी होता है, तो उसका धुआं अगर आप अपने घर में पूरे दिखाएंगे तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी, भूत प्रेत आदि की बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। जिस दिन आपके घर में ये मधुमक्खी का छत्ता प्रवेश करेगा आपका घर पवित्र हो जाएगा, वहीं धन की आवक शुरू हो जाएगी। आप इस उपाय को अवश्य कर लें और जो भी व्यक्ति आपके घर में उस माला को पहनेगा उसे साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। महिलाएं विशेषकर साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। आप लोगों को और भी उपाय जानना है तो हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। इस वीडियो की और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग और भी उपाय देख सकते हैं, हमारे पूज्य गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय भी डालते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय।